आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ और महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था, देर शाम लखनऊ को हुए रवाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर से किया समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, कहा सरकार बनी तो होगा सबका सम्मान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने शनिवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा, कहा तैयारियां रखे पूरी, निर्वाचन संबंधित कार्यों में लाए तेजी। सीडीओ के निर्देशन में संपन्न हुई राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, कहा छात्रवृत्ति से बन सकता है बच्चों का भविष्य बेहतर। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला मेगा विधिक सेवा शिविर, विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा दी गई योजनाओं की जानकारी, योजना से लाभान्वित लोगों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत हिंदू युवा वाहिनी एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में बिछिया क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर अभियान का लिया फीडबैक, नए मतदाता बनने हेतु आवेदन करने वाले युवाओं को दी शुभकामनाएं। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 105 केंद्रों पर कुल 12,756 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,797 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,959 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। विश्व फाउंडेशन संस्था के तत्वावधान में संवेदीकरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएमओ ने कहा कोरोना काल में संस्था ने किया बेहतरीन कार्य, कोरोना से सतर्कता है जरूरी। और देव उत्थानी एकादशी के दिन आयोजित होगा माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह, आयोजक अनुपम कुमार ने दी जानकारी।